रणबीर कपूर को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। रणबीर कपूर पर महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम लेने का आरोप है। महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे फंसते भी जा रहे हैं। अब तक इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें पीएमएलए का कानून लागू होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंदर सजा बहुत सख्त है। सारी सेलिब्रिटीज का पर आरोप ये नहीं है कि इन्होंने सट्टेबाजी की, इन पर आरोप ये है कि इन्होंने सट्टेबाजी से अर्ज किए गए हवाला का पैसा, गलत पैसे को गलत तरीके से अर्जित भी किया और उसको डिक्लेयर नहीं किया, ये उन पर आरोप है। इन्वेस्टिगेशन संदर्भ में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है, और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। हमने रणवीर कपूर को भी सेक्शन 50 पीएमएलए का समन इशू किया था। उसने ईमेल के माध्यम से इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। 1 सप्ताह का समय मांगा है ईडी की तरफ से। सौरभ पांडे जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि रणबीर कपूर ने ईमेल करके ये बताया कि वो आज नहीं आ पाएगा, और उसने कहा है कि वो 1 हफ्ते बाद ईडी के सामने पेश हो जाएगा, और वो भी बताया है कि किस आधार पर और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के किस सेक्शन के तहत रणबीर कपूर को बुलाया गया। सेक्शन 50 के तहत। अब वही महादेव बेटिंग ऐप में ईडी ने सबसे पहले रणबीर कपूर को ही समन्स भेजे थे। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर इस मामले में रणबीर कपूर पर समन्स क्यों है, उन्हें क्यों बुलाया गया। चलिए आपको बताते हैं। रणबीर कपूर महादेव ऐप को प्रमोट करने का आरोप उन पर है। आप देखें, महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े रणबीर कपूर के एड्स भी सामने आए हैं, पोस्टर भी लगे हैं, होर्डिंग भी लगी है। ईडी को शक है कि ऐप को प्रमोट करने के लिए रणबीर कपूर को मोटी रकम दी गई थी, और ये रकम कैसे दी गई, किस तरीके से दी गई, और इसको क्या रणबीर कपूर ने डिक्लेयर किया या उन्होंने भी इसे गलत तरीके से लेकर घुमाया, ये प्रश्न है। ऐप को प्रमोट करने के लिए हवाला के जरिए कैश में पेमेंट करने का इन पर आरोप है कि रणबीर कपूर को पता था कि यह गलत तरीके से अर्जित पैसा है, और इसे गलत तरीके से अर्जित कर फिर इन्होंने घुमाया कि नहीं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। एक तो कमाई खराब, इसमर क्वेश्चन मार्क, डॉजी इनकम है ये। आपको क्या पता था कि ये किस तरह से पैसे दे रहे हैं? अगर कोई आपको इतनी मोटी रकम कैश में दे रहा है तो आपके तो ऐसे सायरन खुल जाने चाहिए, आपके रेडार खुल जाने चाहिए कि ये गड़बड़ है। फिर क्या आपने ये पैसा ऐसे ही लिया और फिर इसको डिक्लेयर किए बिना फिर घुमा दिया, तो ये तो दोनों तरफ से क्राइम हो जाएगा। इसी पर रणबीर कपूर पर भी प्रश्न है। विवेक, आप बिल्कुल सही कहा आनंद। देखिए, इस पे पूरा जो सेलिब्रिटीज फंसे हैं वो मनी ट्रांजेक्शन के फंसे हुए हैं। उन्होंने महादेव ऑनलाइन ऐप के जो लोग हैं, जो मालिक, उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कॉन्टेक्ट किया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के देखिए मोटिव क्या होता था, इनका मोटिव होता था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वो सिर्फ एक वीडियो बनाने बोलते थे, एक वीडियो बनाकर जिसमें महादेव ऐप को प्रमोट करना है। 30-40 सेकंड का वीडियो होता था, वो वीडियो बनाकर वो महादेव और जो महादेव बैटिंग ऐप के जो मालिक हैं सौरभ चंद्रकर, उसको वो दे देते थे। फिर सौरभ चंद्रकर उसको एडिट करके उसमें ग्राफिक्स लगाकर अपना मोबाइल नंबर, जो महादेव ऐप का मोबाइल नंबर, उसमें पेश करता था और म्यूजिक डालकर उसको वो प्रमोट करता था। उसके एवज में जो सौरभ चंद्र का जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि मोटी रकम दुबई में बैठकर वो सारा पेमेंट मुंबई में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करता था। ईडी की जांच में पता चला है कि ये जो पेमेंट हुआ है वो कैश में हुआ है, और सबसे बड़ी बात चीज है कि जो पेमेंट हुआ हवाले के जरिए हुआ है, ताकि सेलिब्रिटीज को भी पता रहता है कि अगर हवाले के जरिए कोई पेमेंट आ रहा है, कैश में कोई पेमेंट आ रहा है, तो जरूर उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है। क्योंकि देखिए, बैलेंस शीट में वो पैसा आप सेलिब्रिटीज को दिखाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक नंबर का पेमेंट होता या फिर कोई चेक पेमेंट होता तो सेलिब्रिटीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि देखिए, भारत का कानून एक और बात कहता है, आपको इजाजत देता है विवेक कि आप पैसा कहीं से भी अर्जित करें, अगर आप इसको डिक्लेयर कर देते हैं और इस पर टैक्स भर देते हैं तो फिर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते।
लेकिन अगर इतनी मोटी रकम आपने अर्जित कर इसको डिक्लेयर नहीं किया और इसको घुमा दिया और कहीं और इसको छुपाया, तो फिर आपने भी क्राइम किया है। आप जानते थे ये पैसा गलत है और आपने गलत तरीके से इसको अर्जित करके भी इसको डिक्लेयर किए बिना आपने ये कर दिया। बीच में ये सहूलियत थी सबके पास कि आप डिक्लेयर करें, अब आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी और उसके साथ सज़ा भी काटनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि रणबीर कपूर और उनके लॉयर्स, उनके वकील क्या जवाब देते हैं। विवेक, बने रहिए हमारे साथ।